ओके तो आज के लेक्चर में सब्जेक्टिव शीट नंबर 3 न्यूमेरिकल्स, फिर से एक बार यूनिट्स एंड डायमेंशंस के, तो आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा और क्वेश्चन नंबर 1, तो कितने लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करें? कितने लोगों का आंसर नहीं आया हाथ खड़ा कर सकते हो, जिनका आ गया इट्स ओके okay. हो गया, डाउट है? डाउट है. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास एम, तो चाहे ऑर्बिटल हो, चाहे क्रिटिकल हो, चाहे कोई वेलोसिटी हो, वो क्या कह रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास रेज टू पावर ए एंड डिस्टेंस रेज टू पावर आर रेज टू पावर बी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर सी. तो यहां तक समझ में आ गया? कॉन्स्टेंट लगा दिया, कॉन्स्टेंट लगाने के बाद वेलोसिटी क्या है? एल टी माइनस वन. मास क्या है? एम. आर क्या है? लेंथ. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू. तो यहाँ से पावर्स एडजस्ट करते हैं, मास तो है ही नहीं, तो रेज टू पावर जीरो, मास की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर माइनस टू सी. तो मास की पावर मास के साथ कंपेयर, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ. जैसे टी की पावर टी के साथ, तो सी क्या आएगा? हाफ. सी आ गया हाफ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा. ए तो वैसे ही जीरो है, तो ए बी सी आ गया. ए बी सी को जो भी वैल्यू आई एम आर और जी के ऊपर हमने पुट किया, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, और आर और जी का अंडर रूट को ऐसा लिखा जा सकता है, दिस इज द आंसर. तो पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने गूगल ड्राइव पे ये असाइनमेंट शेयर की है, तो सबको मिल गई है, ठीक है? तो ऐसे ये शीट है, ऑब्जेक्टिव शीट आज मैंने सॉल्व की, वो भी गूगल ड्राइव पे भी मैंने डाल दी है. तो जो जो शीट्स यहाँ होती जाएंगी मैं सॉल्व कर करके उनमें डालता जाऊँगा, तो अगर कोई इतनी तेज़ी से नोट नहीं कर पा रहा तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक? तो जिसको नहीं मिली वो मुझे अपना ईमेल आईडी सेंड कर देगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा. तो चेक करो इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, हाथ खड़ा करना है यस कि नो. देखो, टर्मिनल वेलोसिटी वी प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी रेज टू पावर ए, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर बी एंड विस्कस ड्रैग. विस्कस ड्रैग क्या होती है? फोर्स. फोर्स रेज टू पावर सी. कंबाइन कर दिया इसमें, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस वन, तो वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर दिया? एल टी माइनस वन. आर का मतलब लेंथ, एल रेज टू पावर ए. ईटा का मतलब कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, और हमने किया कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? एम एल माइनस वन टी माइनस वन रेज टू पावर बी. एफ का मतलब क्या है? फोर्स. फोर्स का मतलब विस्कस ड्रैग क्या है? एम एल टी माइनस टू रेज टू पावर सी. क्लियर है? यहां से m की पावर b, m की पावर c, तो m की पावर क्या आएगा? b प्लस सी. एल की पावर माइनस बी, एल की पावर c, तो क्या आएगा? माइनस बी माइनस टू सी. फिर से एक बार, l की पावर माइनस बी, l की पावर a, l की पावर c, तो ऐड करके a माइनस बी प्लस सी. और t की पावर माइनस बी, t की पावर माइनस टू सी. तो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो m की पावर, l की पावर, t की पावर, तो तीन इक्वेशंस रेडी हो जाएंगे. तो कितने लोगों की तीन इक्वेशंस बन गई थी है? ठीक है, अब क्या करना है आपने? इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इन तीन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से देखेंगे. तो इन तीन इक्वेशंस में, ये तीन इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने तो ये टेक्निक अप्लाई की कि बी को मैंने क्या पुट कर लिया? माइनस सी. तो यहाँ पर बी किसके इक्वल है? माइनस सी. आप इस बी इज इक्वल टू माइनस सी को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, क्योंकि b अब c की फॉर्म में आ गया, तो b की जगह माइनस सी, तो माइनस ऑफ माइनस सी माइनस टू सी. सॉल्व करें तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? 1. c की वैल्यू अगर कितनी आ गई यहां पर? 1, तो b ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? माइनस 1. अब आप खुद देखें, आपके पास b आ गया, c आ गया. अगर आप b और c यहां पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, और a कितना आ गया? माइनस 1. तो जो भी ए बी सी आया आपने यहां पर पुट कर देना है आर ईटा और एफ के ऊपर. ए बी एंड सी यहां तक छोड़ दें, या अगर जो टर्म माइनस वन है उनको डिनोमिनेटर में लेके जाना है आप डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकते हैं. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि ईटा जो सिंबल है ना, इसमें लोग फंस जाते हैं.
वो कहते हैं ईटा तो इलास्टिसिटी होती है, ईटा तो विस्कोसिटी होती है, ईटा तो ईटा क्या, मेरा नाम भी आज से ईटा ही है, ईटा सर मेरा नाम रख दो, क्या फर्क पड़ता है यार, कॉपीराइट थोड़ी ना है, ईटा तो दोस्तों का नाम ईटा रख दो, ईटा गामा बीटा अल्फा जो मर्जी रखो। तो ये आपने ये थोड़ा देखना ईटा क्या चीज है, आपने देखना ईटा है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको अगर वो बोल रहा है कि वो डेंसिटी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला डेंसिटी का ही पुट करना है, तो एम एल रेज टू पावर -3। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर टाइम पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन स्टैटिक प्रेशर रेज टू पावर ए, ईटा रेज टू पावर वी एंड एनर्जी रेज टू पावर सी कंबाइन किया। तो यहां पर टाइम पीरियड टी, पी फॉर प्रेशर, प्रेशर स्टैटिक हो डायनेमिक हो कोई भी हो, प्रेशर प्रेशर है, प्रेशर पुट कर दिया रेज टू पावर ए, ईटा का मतलब डेंसिटी रेज टू पावर बी, ई फॉर एनर्जी रेज टू पावर सी। तो पावर्स को ओपन करते हैं, एम की पावर ए, एम की पावर बी, एम की पावर सी, ए प्लस बी प्लस सी, एल की पावर माइनस ए, एल की पावर -3 बी, एल की पावर 2 सी, ऐसी टी की पावर। तो पावर्स को कंपेयर करके 3 इक्वेशंस आ गई। आपने जब ट्राई किया होगा ना ये क्वेश्चन, आपने चीज नोट की होगी, ज्यादातर 90% क्वेश्चन में जब 3 इक्वेशंस बनती है ना, तो एक इक्वेशन तो ए बी सी में से कुछ ना कुछ वैल्यू तो इमीडिएटली दे ही देती है आपको, चाहे 1 दे चाहे -1 कुछ भी दे, फिर बाकी क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाता है। वो क्वेश्चन ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं जिसमें यहां से 3 इक्वेशन में कुछ भी नहीं आता, जैसे ये इक्वेशन है, और तीनों इक्वेशन में ए बी सी ए बी सी ए सी काफी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे किया, मेरी ये इक्वेशन ए और सी के बीच में है, मेरे को अगर एक और इक्वेशन ए और सी के बीच में मिल जाए तो मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ। है तो ये सारा हिट एंड ट्रायल, ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस बी को यहां से इलिमिनेट कर दिया। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन में ए 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, पहली इक्वेशन में मैंने बी को क्या लिख लिया, माइनस ए प्लस सी, बी एक तरफ ए और सी एक तरफ। इस बी को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, तो इस बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस ऑफ ए प्लस सी। ये क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 2 में बी की जगह पुट कर दिया माइनस ऑफ ए प्लस सी। इसे ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके एक और इक्वेशन आ गई जो किस फॉर्म में बनी, सी और ए की फॉर्म में बन गई। अब एक इक्वेशन सी और ए की फॉर्म में ये रही, एक इक्वेशन ऑलरेडी है मेरे पास सी और ए की फॉर्म में, एक इक्वेशन बनी हुई है, एक मैंने बना ली, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा, इन्हें ऐड कर दिया, ऐड करके 2a से 2a कैंसल, तो इन्हें ऐड करके सॉल्व करके क्या आ गया, सी आ गया। अब अगर आपके पास सी आ गया तो आप एक काम कर सकते हो, इनमें से किसी भी इक्वेशन में सी को पुट कर लो, सी कितना है 1/3, इस इक्वेशन में जैसे मैंने 1/3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। अब मेरे पास ए आ गया, अब मेरे पास सी आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है। तो एक काम करते हैं, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मैंने ए निकाल दिया सी निकाल दिया, तो ऑटोमेटिकली ए और सी की वैल्यू को पुट करके मैं क्या निकाल पाऊंगा, अब मैं बी निकाल पाऊंगा। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, आंसर आ गया। मैंने पुट नहीं किया, पर अल्टीमेटली आप पुट तो यही करोगे, इसे जगह कम बची थी तो मैंने यहां पुट नहीं किया। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो ए बी सी सॉल्व करना मैथ्स और आप ही का काम है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किस टर्म में क्या पुट करना है, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कितनों को डाउट है इसमें, कितनों को नहीं आया ये, और कितनों का आ गया, नहीं आया, ओके। एज्यूमिंग दैट मास एम ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड इन अ फ्लोइंग रिवर, हमें कोई पत्थर कहाँ मूव कर रहा है, हमें क्या लेना देना। ये देखो मास किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी वी पे डिपेंड करता है, रेज टू पावर ए। मास किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी रेज टू पावर बी। मास किस पे डिपेंड करता है, जी रेज टू पावर सी। अगर हम इन्हें कंबाइन कर लें तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो मुझे प्रूव करना है कि जो मास है 6th पावर ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगा, यानी कि जो मास है वो वी रेज टू पावर ए के प्रोपोर्शनल है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 6 आएगी, तो ए की 6th पावर होनी चाहिए, ये प्रूव करना है। यानी कि मेरे को सिर्फ ये देखना है कि ए की जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो 6 आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मास की जगह वैल्यू पुट की, वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, डेंसिटी पुट किया और जी पुट किया। तो इन्हें मैंने सॉल्व किया, m1 है, l0 t0, तो यहां से m की पावर b है, एल की पावर ए बी है, -3 बी भी है और सी भी है। ऐसे टी की पावर को इकट्ठा किया, कंपेयर किया, कंपेयर करके 3 इक्वेशंस आ गई, 3 इक्वेशन में से बी तो आई गया कम से कम 1। कोई डाउट इसमें?
बी आ गया, बी को यहां पुट कर लिया तो ऑब्वियसली ए और सी की इक्वेशन आएगी, बी की वैल्यू को यहां पुट करके ए और सी में इक्वेशन आएगी, और ए और सी में एक इक्वेशन बनेगी, एक ये बनी हुई है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और सी भी आ जाएगा। मैंने किया नहीं, पर ए बी सी कैन बी कैलकुलेटेड, और अगर आप चेक करें तो ए की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी, 6 आएगी, यही मुझे प्रूव करना था। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपने, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस यस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। हो गया डाउट? देखो, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो इसका डायमेंशन, कोई कह रहा था मुझे, कोई पूछ भी रहा था व्हाट्सएप पे, अगर सिंबल ना गिवन हो तो क्या रखें, जो मन में है रख दो, एक्स लिखो, वाई लिखो, वी लिखो, मैंने वी ले लिया, तो वी का मतलब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम नहीं है, वी का मतलब है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो वी का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन टाइम, क्लियर है? तो आपको वो क्या कह रहा है, ये वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे। अब प्रेशर ग्रेडियंट का सिंबल उसकी मर्जी है, तो पेपर बनाने क्वेश्चन पूछने वाले ने प्रेशर ग्रेडियंट का सिंबल क्या लेने को कहा, पी बाय एल, तो आप भी चेंज ना करें, पी बाय एल रखें, तो वी प्रोपोर्शनल टू पी बाय एल रेस टू पावर ए, नेक्स्ट ईटा रेडियस रेस टू पावर बी, और ईटा रेस टू पावर सी, क्या पॉइंट क्लियर है? कंबाइन किया एज इट इज सिंबल्स, कोई चेंज नहीं किया। वी का मतलब यहां पर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, P फॉर प्रेशर, L फॉर लेंथ, R फॉर लेंथ, ईटा फॉर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, पुट कर लिया, ठीक है, L और ये सॉल्व करके L की पावर माइनस टू, फिर M की पावर, L की पावर, T की पावर कंपेयर, यहां इकट्ठा करके कंपेयर करेंगे, तीन इक्वेशन बनेंगे फिर से, इन तीन इक्वेशन में A को क्या पुट करेंगे, माइनस सी, तो A को आप यहां पे पुट कर दें माइनस सी, तो A को जब यहां पर पुट करेंगे माइनस सी, सॉल्व करके C आ जाएगा, C आ गया आपके पास तो समझो A भी आ गया, A आ गया, C आ गया तो समझो B भी आ गया, तो A, B, C सॉल्व करके आपके पास ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी, दिस इज द आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई जादू है, कोई शॉर्टकट है, मेरे सॉल्व नहीं हो रहे, आपके सॉल्व हो रहे हैं, इसके सॉल्व मेरे, मैंने भी सॉल्व भी किए हैं, मेरे पास ये शीट थी नहीं, मैंने भी कल आज सुबह ही अपडेट की है ये, तो मैंने सुबह सुबह सॉल्व किया और पूरा आपके सामने, कोई ये भी नहीं है कि कोई स्टेप मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, उल्टा आप जो स्टेप्स लिखते हैं उसे दो स्टेप फालतू ही लिखता हूँ, आप तो फिर भी बीच में शॉर्टकट मार देते हैं, तो शॉर्टकट भी मार सकता है, लोगों को समझ में नहीं आएगा शॉर्टकट क्या मारा है, तो हर किसी को सॉल्व करना पड़ता है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो रास्ता आपके लिए वही रास्ता मेरे लिए, ठीक है, तो आपको बैठना पड़ेगा और होमवर्क तो करना पड़ेगा, हाँ जहाँ फंसेंगे वहाँ असाइनमेंट्स काम आएंगे आपके, ठीक है यहाँ तक? तो क्लियर है यहाँ तक, ए बी सी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया, 6, कितनों को डाउट है? डाउट है, V इज वॉल्यूम ऑफ वाटर विच पासिस एट एनी पॉइंट ऑफ द कैनाल ड्यूरिंग टी सेकेंड, तो V का मतलब यहां पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, टी सेकेंड में कितना पानी चला गया, तो V का मतलब फिर से यहां पर क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल क्यू बाई टी, ये रहा, क्लियर है यहां तक? तो इसमें वो कह रहा है ये एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू जो भी के ए टी यू, कह रहे चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं, तो गलती से करेक्ट लिखा गया जबकि ये इनकरेक्ट आ रहा होगा, तो इसमें V का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, K तो कांस्टेंट है, एरिया का मतलब एल स्क्वायर, टी का मतलब टाइम, यू का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, एल टी माइनस वन, तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो टी से टी तो कैंसल, एल स्क्वायर एल इज एल क्यूब, तो आपके पास सॉल्व करके ये करेक्ट नहीं आया क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड डिफरेंट आए, तो क्या आया आंसर, इनकरेक्ट आया, गलती से मैंने करेक्ट लिख दिया था, इसको इनकरेक्ट कर लो, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मैंने वॉल्यूम पुट किया, वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है, मैंने वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ही पुट किया ना इसमें, क्लियर है सबको यहां तक, कोई डाउट इसमें है ना? मेरा यही काम है बताना कि देखो पता लग गया, अब अगली बार जब मैं कहूंगा ना कि इतना पानी बह रहा है पर सेकेंड, इतना भारी इतना पानी बह गया इन टी सेकेंड, तो समझ जाना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक, इसी के लिए लेक्चर लग रहा है, अगर आपको पता ही होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो सब कुछ ही पता होता, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम रोज़ सीखते हैं और प्रैक्टिस से हम सीखते हैं,
जो आपको कोई टीचर करके दिखाएगा वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड के, तीसरा आ जाएगा तो कर ही लोगे अब तो। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वांटिटी मैंने गलत कर दिया इसमें, मेरे को लगा कि इसमें करेक्टनेस चेक करनी थी, तो ये करेक्टनेस नहीं चेक करनी इसमें, इसमें बताना है कि एक्स क्वांटिटी क्या है। तो प्लीज़ इसको इसको कट कर रहा हूँ मैं, ये एक्स क्वांटिटी के बारे में बताना है कि क्या क्वांटिटी है। तो आप एक काम करेंगे, इसमें हमने लास्ट टाइम भी किया था शायद, ये आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ का मतलब फोर्स, वी का मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, डब्ल्यू का मतलब वर्क डन, एल का मतलब एल क्यूब। इन्हें अगर हम ओपन करें एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, सॉल्व करें, कैंसिल करें टर्म्स, तो आंसर क्या आता है, एम टी माइनस टू सरफेस टेंशन। आपको याद होगा कि ये हमने लास्ट टाइम किया था, सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी एक ही बात है। फोर्थ क्वेश्चन जो भी है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये रिपीटेशन में है क्वेश्चन, तो ये करेक्टनेस इनकरेक्टनेस नहीं बतानी इसमें, इसमें सिर्फ बताना है कि क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस सर। ये रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये तो आप बता ही दोगे, सिंपल है। ये टाइम है, ये लेंथ है, मतलब इन ये सेम हो जाए, इनकरेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है। ये वैसे तो आपको अपने मन से फीलिंग आ रही होगी कि कई बार ये फॉर्मूला एरर्स में देख चुके हैं, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी, तो ठीक ही होता होगा जो तीन चार बार यूज हो गया, तो ये करेक्ट ही है वैसे तो, पर चलो आपको करके फॉर्मेलिटी करनी तो पड़ेगी। टी फॉर टाइम, 2 पाई का कुछ नहीं, एल का मतलब लेंथ, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अंडर रूट का मतलब हाफ। तो एल से एल कैंसल, टी ऊपर चला गया, स्क्वायर अंडर रूट लिया तो टी, टी और टी सेम, तो ये रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट, करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन क्या चेक करना, दिख रहा है क्या, दिख रहा है करेक्ट है क्यों, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, एम जी एच भी एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर भी एनर्जी है, तो वैसे ही करेक्ट है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला सबका सेम है, करेक्ट है। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूला करेक्टनेस चेक करनी है, हो गया था ये सॉल्व। रो का मतलब इसमें डेंसिटी है, जी का मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, कैपिटल जी का फॉर्मूला मैंने गलत पुट कर दिया यहाँ पर, कैपिटल जी करेक्ट कर लेना यहाँ पर, ये क्वेश्चन मैंने सही नहीं किया। कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या था कोई बताएगा, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस, एल की पावर क्यूब और टी की पावर, हाँ अब सॉल्व करना, अब चेक करना करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट आ रहा है, ओके ये करेक्ट आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसे ऐसे, मैं इसको करेक्शन करके डाल दूंगा गूगल ड्राइव पे, पर समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना है। तो कितने लोगों का करेक्ट आ गया था, करेक्ट आ गया था, ठीक है ये मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने गलत किया इसे। ये फॉर्मूले में डाउट, इस फॉर्मूले में याद रखना जो कॉस थीटा होता है वो एक नंबर है, कॉस थीटा की वैल्यू नंबर आती है, तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, राइट। तो एच का मतलब हाइट है,
आर का मतलब लेंथ है, रो का मतलब डेंसिटी है, जी का मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, टू का कुछ नहीं, कॉस थीटा का कुछ नहीं, एस पर सरफेस टेंशन है। सॉल्व करके ये टर्म क्या आएगी, इनकरेक्ट आएगी। एक एल आ रहा है, एक एल की पावर माइनस वन है, कितने का आ गया था, ये हो गया था, हो गया था, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवेंथ क्वेश्चन, कितने लोगों का हो गया। सारी गेम क्या है, किसको प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला आता है, और तो कुछ था ही नहीं इसमें, क्योंकि ये फॉर्मूला चेक करना है। लैम्डा का मतलब क्या होता है, लेंथ। अब किसकी लेंथ, वेव लेंथ, भाई चाहे वेव की लेंथ हो, चाहे आपकी लेंथ हो, मेरी लेंथ हो, लेंथ तो लेंथ ही रहेगी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, एल। एच का फॉर्मूला मैं भूल ही गया करते करते, जैसे आप भूल जाते हैं, आप भी भूल गए होंगे, आपने टेबल देख लिया, मेरे पास टेबल नहीं था, पर मेरे को फॉर्मूला याद था, एनर्जी इंटू टाइम, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एनर्जी इंटू टाइम, मैं लिखवाया था टेबल के अंदर, तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है और टाइम का पता है, मल्टीप्लाई करके पहले मुझे निकालना पड़ा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, फिर मैंने इस फॉर्मूले को प्लैंक्स कॉन्स्टेंट में पुट किया, फिर मास की जगह मास, वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस वन, सॉल्व किया, मास से मास कैंसिल करके आपके पास आंसर एल आया, तो ये रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट आया। क्लियर है यहाँ तक, तो करेक्टनेस क्लियर है। नेक्स्ट कितनों को डाउट है, कितनों का डाउट है, कितनों का हो गया, ऊपर ये लो, ठीक है, आ रहा है, ट्राई की, देखो तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एनर्जी का ये फॉर्मूला गिवन है आपके सामने है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने एप्लीकेशन नंबर टू की थी, क्या किया था कि अगर ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ये लेंथ का स्क्वायर है, तो इस टर्म को भी क्या होना पड़ेगा, लेंथ का स्क्वायर, तभी दो टर्म, तभी रिलेशन सही माना जाएगा। तो अगर ये एल स्क्वायर तो ये भी एल स्क्वायर, तो बी का फॉर्मूला क्या आ गया, एल स्क्वायर। अब ये भी बताया था कि अगर ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर गया तो आंसर क्या आया, हाँ जीरो नहीं आया। एल स्क्वायर हमको मैथ थोड़ा कर रहे हैं कि टू में से टू गया तो जीरो, हम कह रहे हैं एल स्क्वायर की टर्म में से एल स्क्वायर की टर्म माइनस करेंगे तो जो नई टर्म आएगी वो भी एल स्क्वायर ही होगी, तो न्यूमिनेटर क्या होगा इसका, एल स्क्वायर। एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, ए निकालना है और टाइम का टी, तो यहाँ से ए एक तरफ और ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंज करो, सॉल्व करो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा। मेथड क्लियर है, सॉल्व करने का काम तो आप ही का है, पर समझ में आ रहा है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 कितने लोगों का हो गया, 13 हो गया, कितने को डाउट है, डाउट है कैसे, इसमें तीन क्वांट, देखो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा फोर्स का एम एल टी माइनस टू, वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा ए इंटू रूट एक्स का, और वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा बी इंटू टी स्क्वायर का। पहला स्टेप क्लियर है, तो डायमेंशन फॉर्मूला तीनों में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। तो इसका मतलब a इंटू रूट एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल इक्वेट कर दें, bt स्क्वायर इसके इक्वल इक्वेट कर दें, ये स्टेप भी क्लियर है। तो x क्या होता है, l, तो l रेज टू पावर हाफ इसके नीचे आ गया, l और l की पावर हाफ की पावर माइनस होएगी तो आंसर आ गया। ऐसे ही bt स्क्वायर फोर्स के इक्वल है, t का स्क्वायर का मतलब ये t का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, सॉल्व करके आंसर आ गया। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, पर पहला स्टेप समझ में आ रहा है, पहला स्टेप यही है कि तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मैंने आपको लास्ट टाइम एंगल का रूल बताया था, बताया था एंगल डायमेंशन लेस होता है, बताया था, देखो तो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, हो गया था। इसके अंदर एक इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी होती है वैसे,
तो इसमें y का मतलब लेंथ होती है तो l, a का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव की इक्वेशन में ये जो नंबर होता है a, ये क्या होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी डिस्प्लेसमेंट ही कहलाती है, ये l ही होता है। तो ये भी l, ये भी l, पर मुझे मुझे मुझको क्वेश्चन में ये चाहिए ही नहीं a, और पूछ कौन रहा है मुझसे y, तो वैसे बता रहा हूँ कि ये भी l ये भी l चाहिए नहीं मुझे। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के क्या होगा। तो मुझे पता है कि साइन के आगे जो भी टर्म है ये पूरा एंगल है, और एंगल डायमेंशनलेस होता है। तो पूरा का पूरा ये जो टर्म आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस को क्या लिखते हैं, वन। ये स्टेप क्लियर है, पूरे का पूरा एंगल लिखा, एंगल को वन लिख दिया क्योंकि ये डायमेंशनलेस है। कोई डाउट, क्लियर है यहां तक? तो इसमें अगर ये वन है तो ये टर्म भी क्या होगी, वन, और ये टर्म भी क्या होगी, वन, क्योंकि सेकेंड एप्लीकेशन यही बोलती है कि जो ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा, वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी होगा। कोई डाउट इसमें? तो वन 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 कर लिया, तो यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, वन, और इधर से के इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, वन। ओमेगा निकालना है, ओमेगा क्या है, वन अपॉन टी, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आएगा, टी की पावर माइनस वन। वैसे आपको याद भी होगा टेबल से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला टी की पावर माइनस वन होता है, पर चलो याद को छोड़ो, पर समझ में आया कैसे निकाला। ऐसे अगर के का निकालना है तो के इंटू एक्स डायमेंशन लेस है, तो के इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वन। कोई डाउट इसमें? तो के एक्स इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन बाई एक्स, एक्स किसके इक्वल है, एल, तो एल रेज टू पावर माइनस वन। कोई डाउट इसमें? तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस का मतलब वन होता है। तो अगर ये पूरा वन है तो ये इंडिविजुअल टर्म भी क्या होंगी, वन और वन ही होगी, वहां से आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा क्योंकि ये थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन के बाद ये क्वेश्चन होगा। हम एक काम करते हैं, हम थर्ड एप्लीकेशन करते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे और फिर डिस्कशन करेंगे कि थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टॉपिक ओपन करो, ओके। थर्ड एप्लीकेशन है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज हेल्प्स टू कन्वर्ट अ गिवन क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप ये लिखें, मैं समझाता हूं ये क्या लिखा गया है इसमें। देखो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल फॉर्मूलाज की, कि डायमेंशनल फॉर्मूलाज हेल्प्स टू कन्वर्ट अ गिवन क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है, एक कंट्री के लोग ये मानते हैं कि उनका जो डिस्टेंस है, या वो लोग जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं इन मीटर्स, और वो मास को मेजर करते हैं किसमें, केजी, और टाइम को मेजर करते हैं इन सेकेंड। तो वो बोलते हैं कि हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है ये,
हम अपने डिस्टेंसेस को मीटर में ही मेजर करते हैं, केजी में मास मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो हमारे सिस्टम यूनिट का नाम है एमकेएस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म एमकेएस। एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी, एस का मतलब सेकंड। अब एक और कंट्री है, दूसरा कंट्री है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सिस्टम ऐसा है कि डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किसमें, सेंटीमीटर में, और मास को मेजर किया जाता है ग्राम्स में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में। तो सेंटीमीटर, ग्राम्स, सेकेंड, सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट। एक और कंट्री आता है, वो कहता है यार हमारे यहाँ तो सिस्टम है ही नहीं ऐसा, हमारे यहाँ तो जितने भी लोग हैं या साइंटिस्ट हैं वो लेंथ को मेजर करते हैं फीट में, और मास को मेजर करते हैं पाउंड्स में, और फिर उसके बाद टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। एक और कंट्री है, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो डिस्टेंस मेजर करते हैं किलोमीटर्स में। अब मैंने कहा ये लेंथ क्या करते हो, कहते किलोमीटर मेजर करके बताएंगे, 0.0001 किलोमीटर, मर्जी है उनकी, वो मीटर में नहीं करते, किलोमीटर में करते हैं। ऐसे ही टाइम, मैंने कितनी देर का अभी कितनी देर बोला, 10 सेकंड नहीं, कहते हमारे यहाँ घंटों, आवर्स, आवर्स में करते हैं, सेकंड नाम की चीज़ यही नहीं हमारे यहाँ चलती, मुझे पता नहीं सेकंड क्या होता है, वो कहता है हमारे यहाँ तो आवर्स ही होते हैं। और ऐसे एक और कंट्री आया, वो कहता है जी हमारे यहाँ तो लाइट ईयर में सब कुछ मेजर किए जाते हैं। अब ये सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ एक डिस्टेंस मेजर करना था, कोई फीट में बोल रहा है, कोई मीटर में बोल रहा है, कोई किलोमीटर बोले जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अब सारे साइंटिस्ट नए हैं, मान लो कोई नया यूनिट ले आता है अपने घर से बना के कि हमारे यहाँ तो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, कोई कुछ भी डिस्टेंस का नाम कुछ और ही रख देता है, अब उसकी मर्जी है वो कैसे मेजर करता है। अब दूसरे साइंटिस्ट को उसको समझाना पड़ेगा कि भाई देख किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हम एक काम करते हैं कन्वर्ट करेंगे, जब तू बोलेगा किलोमीटर मैं बोलूंगा मीटर, मैं समझ जाऊंगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो कन्वर्जन करके एक दूसरे की हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम करते भी आए हैं हमेशा। तो ये फैसला हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी काम होगा वो किस में मेजर, क्योंकि देखो इतने कंट्रीज हैं, अपने अपने सिस्टम यूनिट्स हैं, तो एक को फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो ये फैसला हुआ कि हम एम के एस को फाइनल करेंगे, कि जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे या जो भी इंटरनेशनल लेवल की बुक्स होंगी उसमें सारा कुछ जो पूरा सिस्टम यूनिट जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे वो एम के एस में किए जाएंगे, यानी कि मीटर, के जी और सेकेंड। तो इस सिस्टम को सिलेक्ट किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका नाम क्या दिया गया, एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट। एस आई में एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बोला जाता है एस आई सिस्टम। तो ऐसा कुछ फैसला हुआ। अब फैसला तो कर बैठे, ऐसा समझ में आ गया, पर वो कंट्री तो अभी भी अपने काम करे जा रहे हैं, कोई सीजीएस में करे जा रहा है, कोई एमकेएस में करे जा रहा है, कोई किसी में करे जा रहा है, उनको तो रोक नहीं सकते, लेकिन उनकी लैंग्वेज को समझ तो सकते हैं। तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में, या एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर मुझे कन्वर्जन करनी है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में जो डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं वो हमारी हेल्प करेंगे। जैसे एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि मान लो सपोज 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं, ये क्वेश्चन आ गया, 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं। तो मुझे पता लगा कि ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है, फोर्स की, राइट, फोर्स की बात हो रही है। तो मैंने इसमें अपना पुराना मेथड लगाया, मेथड 1, जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है जो हम 9-10 से करते आए हैं, वो क्या कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, क्या फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले में मास को अगर हम क्या पुट करते हैं, 1 kg, एक्सेलरेशन को पुट करते हैं 1 m/s का स्क्वायर, तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो आएगी 1 kg m/s का स्क्वायर, और इसके कॉम्बिनेशन को ही क्या नाम दिया जाता है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इसके इक्वल होता है, सबको मालूम है 1 न्यूटन किसे बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं। तो 1 न्यूटन की वैल्यू इसके इक्वल है, पर मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन्स, डाइन्स किसका सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजीएस। तो केजी को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स में, मीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, और सेकंड तो चलो जो है सेकंड है ही है। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 5 ग्राम्स सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और पता लगा ये सीजीएस सिस्टम में इस टर्म को ही क्या बोलते हैं, डाइन्स। तो क्वेश्चन आंसर आ गया, 1 न्यूटन में
10 की पावर 5 डाइंस है। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत नॉर्मल मेथड है जो हम हमेशा करते आए हैं, रादर हम तो याद ही कर लेते हैं। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइंस है, काम ही चल जाता है। पर कैसे बनाया समझ में आया? ये पुराना मेथड है। मुझे क्या देखो, इसमें मैंने यूनिट्स यूज़ किए, मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला MLT कहीं यूज़ नहीं किया, जबकि हम किसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूलाज की, MLT वाला। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी सेम काम कर सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज MLT को यूज़ करके मैं 1 न्यूटन में कितने डाइंस निकाल सकता हूँ। तो मेथड नंबर 1 पुराना मेथड है, इससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे प्लस 1 में, क्योंकि जब स्कूल में पेपर आएगा उसमें मेंशन किया जाएगा, NCERT मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में, बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस MLT, ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मेथड 1 वहां काम नहीं करेगा। तो मैं आपको अब नया मेथड सिखाता हूं कि कैसे 1 न्यूटन से हम डाइंस निकाल सकते हैं लेकिन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब मेथड 1 लिखें, मैं मेथड 2 लिखवाता हूं, आप नोट कर लें वैसे एक बार, मैं मेथड 2 को लिखवाता हूं जो हम फॉलो करेंगे। तो अब जो हम मेथड फॉलो करेंगे वो ये नहीं फॉलो करेंगे, हम मेथड 2 फॉलो करेंगे। आप मुझे बताना आपको कौन सा मेथड बेटर लगा, ठीक? पहले करते हैं फिर बेटर, वैसे पूछ लूँगा, करना मेथड 2 ही है लेकिन आपको, ठीक है? तो इसमें मेथड 2 ये लो, मेथड 2 वो क्या, डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड है। क्वेश्चन वही है, 1 न्यूटन में कितने डाइंस हैं, क्वेश्चन वही है। ये क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है, जैसे 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, जूल एनर्जी का यूनिट है, अर्ग्स भी एनर्जी का यूनिट है, जूल SI में बोलते हैं, अर्ग्स CJ में बोलते हैं, ऐसा आ सकता है। या फिर मान लो कोई भी और, जैसे कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को की वैल्यू है 6×10^11 SI में, उसकी CJ की वैल्यू निकालो, कुछ भी क्वांटिटी देगा, प्रेशर पूछ लेगा SI में, प्रेशर की वैल्यू देगा, CGS में पूछ लेगा क्या वैल्यू है, कुछ भी क्वांटिटी देगा। मैंने अपना एग्जांपल फोर्स का जरूर लिया है लेकिन पता नहीं वो क्या देगा। हाँ एक चीज जरूर है, आपको यहां पर जैसे आपको SI सिस्टम दिया और आपको क्वेश्चन किस में पूछ रहे, CGS में पूछ रहे, एक नंबर आपको जरूर देगा, जैसे 1 न्यूटन में कितने डाइंस हैं। तो यहां पर ये जो नंबर है, ये नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया, N1, ये नंबर 1 है, और आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, CGS में नंबर निकालना है। तो लेट अस सपोज इस नंबर को किससे लिखा, N2, तो N1 गिवन है, N2 निकालना है, ये स्टेप क्लियर है। तो ये इक्वेशन में ये नंबर N1 है, ये इसका यूनिट है, ये N2 है, ये इसका यूनिट है, पर हम अपना क्वेश्चन यूनिट से कर नहीं रहे क्योंकि मेथड 1 में हमने अपना क्वेश्चन यूनिट से किया, तो वो तो सही मेथड नहीं है, हमने डायमेंशन से करना है।
तो एक काम करते हैं, यहां पे 1 की जगह मैं लिखता हूं क्या, n1 n1 into यहां पर यूनिट नहीं लिखना चाहता, मैं क्या लिखना चाहता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू फिर यहां पर क्या आएगा नंबर n2 into डाइज नहीं लिखना चाहता, यहां पर क्या लिखना चाहता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं अपना काम यूनिट्स में नहीं करना चाहता, मैं अपना काम डायमेंशनल फॉर्मूला में करना चाहता हूं। तो मैंने बना ली इक्वेशन सेम, जैसे नंबर n1 यूनिट, नंबर n2 यूनिट, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया नंबर n1 डायमेंशन फॉर्मूला, नंबर n2 डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब डायमेंशन फॉर्मूला कोई भी मन में याद करो, हमने कितने फॉर्मूलाज किए हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूलाज MLT की फॉर्म में होते हैं, MLT। तो यहां पर जिस भी क्वांटिटी की बात होगी, जैसे ये तो क्वेश्चन फोर्स का क्वेश्चन है, कल को एनर्जी हो सकता है, कल को प्रेशर हो सकता है, कल को वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी फॉर्मूला बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, एम एल और टी की फॉर्म में बनेगा, MLT की फॉर्म। और MLT की कोई पावर्स भी होंगी, जैसे एम की कोई पावर होगी, एल की पावर होगी, टी की पावर होगी। तो मान लिया कि इसकी पावर है ए, इसकी पावर है बी, इसकी पावर है सी, वो क्या क्वांटिटी होगी। जैसे फोर्स है, मान लो ये फोर्स है, तो फोर्स में मुझे क्या लिखना चाहिए, MLT-2। पर मैं ABC इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे क्या पता मेरे को क्वेश्चन में क्या क्वांटिटी देगा। मैंने एग्जांपल फोर्स का जरूर लिया, पर एक्चुअल में क्वांटिटी कैन वेरी। तो ABC की पावर मुझे क्या करनी पड़ेगी, चेंज। तो मैंने इन जनरल लिख दिया कि जो भी क्वांटिटी मेरे को दी जाएगी उसकी MLT की कोई ना कोई क्या होगी, पावर होगी ABC। सिमिलरली यहां पर भी कोई ना कोई क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम होगा, MLT की क्या होगी, पावर होगी। लेकिन पॉइंट टू भी नोटेड, पावर यहां पर भी सेम होगी। वो क्यों, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। क्योंकि जैसे अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, LT-1। ऐसे ही LT-1, यानी कि m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1, यही है ना। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का SI में है कि CGS में है, आपको ये क्या है, वो तो सेम ही होता है। डायमेंशन फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट्स कौन सा है, CGS है, SI है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी का फॉर्मूला LT-1 ही रहेगा, चाहे आप SI में लो, चाहे आप CGS में लो। तो इसीलिए चाहे SI है, चाहे CGS है, पावर अगर इसमें MLT की ABC है, तो यहां पर भी पावर क्या रहेगी, ABC, क्योंकि ये भी फोर्स की बात कर रहा है और ये भी फोर्स की बात कर रहा है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो ABC की पावर दोनों में चेंज नहीं होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और वैसे भी आपने सीख तो रखा है कि अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो पावर दोनों में लेफ्ट और राइट पे क्या रहती है, सेम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पावर चेंज नहीं होगी, क्योंकि चाहे SI है, चाहे CGS है, बात तो फोर्स की हो रही है, या जो भी क्वांटिटी की बात हो रही है वो क्वांटिटी तो एक ही है। तो चाहे ये लो, चाहे ये लो, आप कहोगे ये क्या बात बनी, इधर भी सेम, इधर तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये SI है, ये CGS है, हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम करेंगे। इसके पैर में 1 1 1 लगाएंगे, M1 L1 T1, जो ये शो करता है कि ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI। और इसके यहां पे क्या लगाएंगे, 2 2 2 2 2 2, सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है, सी। अब देखो डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, अब पता लग रहा है कि ये SI में लिखा, ये CGS में लिखा, पर लेकिन पावर्स दोनों में क्या रखी, एग्जैक्टली सेम। अब मुझे मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, N1, मुझे क्या निकालना होगा, N2। तो एक काम करते हैं, N2 निकालना है ना, तो इस टर्म को इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो N2 की वैल्यू आएगी N1 M1 L1 T1 रेज टू पावर ABC डिवाइडेड बाय M2 L2 T2 रेज टू पावर AB एंड C। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा M1 बाय M2 रेज टू पावर A, L1 बाय L2 रेज टू पावर B और T1 बाय T2 रेज टू पावर C। आप एक मिनट ये फॉर्मूला नोट करें, आगे इसको कैसे यूज करना है और इसका मतलब क्या है, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। आप यहां तक एक मिनट नोट करें पहले। ये फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं फॉर्मूला कहां से बना, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, N2 निकालने का क्या फॉर्मूला है, और इसको यूज करना आना चाहिए। वो आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाना सिखाया है, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इसको बनाने की। आप यहां तक नोट करें, मैं इसको यूज करना सिखाता हूं कैसे यूज करते हैं।
ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। अब यूज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे को क्वेश्चन में आया कि 1 न्यूटन में कितने डाइंस हैं, क्वेश्चन वही है। अब मैं सॉल्व करता हूं मेथड 2 से। सबसे पहले ये बताओ कि ये नंबर क्या है n1 और ये नंबर क्या है n2, ये मुझे निकालना है। लेफ्ट साइड पे कौन सा सिस्टम है SI और राइट साइड पे कौन सा है CGS। तो आपने हर क्वेश्चन में ये लिख लिया SI CGS, आपने हर क्वेश्चन में लिखना है M1 L1 T1 N1 M2 L2 T2 N2। M1 की वैल्यू, फंडामेंटल जो वैल्यू होती है SI सिस्टम में मास को किस में मेजर किया जाता है, 1 kg में। स्टैंडर्ड मास का यूनिट SI में क्या होता है, 1 kg, और CGS में क्या होता है, 1 ग्राम। लेंथ 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड 1 सेकेंड। N1 की वैल्यू मुझे गिवन है और मुझे क्या निकालना है, N2। ये हर क्वेश्चन में यहीं से स्टार्टिंग होगी। लिख लिया ये सारा, फिर आपने ये डिस्कस करना है कि ये क्वांटिटी है किसकी, जिसकी बात हो रही है, ये कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स, फोर्स की बात हो रही है। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होता है, MLT -2 होता है, राइट। एम की पावर इस क्वेश्चन में क्या कही जाती है, ए। एल की पावर क्या होती है, बी। टी की पावर क्या होती है, सी। तो आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेना है, एम की पावर को ए बोलना है, एल की पावर को बी बोलना है और टी की पावर को सी बोलना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ABC लिख लिया। फिर आपने अपना फॉर्मूला लिखना है, N2 निकालना है। N2 का फॉर्मूला क्या था, N1 M1 by M2 raise to power A, L1 by L2 raise to power B and T1 by T2 raise to power C। तो वैल्यूज पुट करते हैं, चलो N1, N1 बोलो कितना है, 1। M1 कितना है, 1 kg। M2 कितना है, 1 ग्राम। A की वैल्यू कितनी है, 1। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। B की वैल्यू कितनी है, 1। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। C की वैल्यू कितनी है, -2। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, आप यहां तक लिखें, मैं इसके बाद बताता हूं, यहां तक नोट करें। तो देखो इसमें अब क्या करेंगे, इसके अंदर अब N2 एक नंबर है, राइट। एक काम करेंगे, 1 kg में कितने ग्राम्स हैं,
1000 ग्राम बाय ग्राम रेज टू पावर 1, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर रेज टू पावर 1, 1 सेकेंड 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। ठीक है, कैंसिल करें, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो क्या बचा, एन टू विल बी इक्वल टू 1 × 1000 × 100 × 1 की पावर -2, तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया, 10 की पावर कितना 5। यही तुम्हारा आंसर था, 10 की पावर 5। तो क्या सही मेथड है? नहीं, सही नहीं है। मेथड 1 ठीक है कि मेथड 2 ठीक है? मेथड 1 ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में मेथड 2 ठीक लगेगा, दिखाता हूँ कैसे। आप नोट करें, मैं आपको 3 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करके दिखाता हूँ इसके मेथड 2 से, चौथे क्वेश्चन में खुद बोलेंगे मेथड 2 ठीक है, इसमें गलती होने का चांस कम है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब एक काम करते हैं, आप जरा इस शीट को देखना, ये शीट है, राइट? ये शीट में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी भी इस टाइप की शीट्स आएंगी, नेक्स्ट टाइम आपको एक बुकलेट मिलने वाली है, वो जो बुकलेट बाहर निकली हुई है प्रिंट आउट, उसमें सारी शीट्स लगी हुई इंसर्टेड है, तो इसके प्रिंट आउट आपके पास सारे हैं। तो ऐसे ही अब क्योंकि वैरायटी शो करनी है अब आपको हर क्वेश्चन की, तो उसमें आप नोट्स इतना लिख नहीं पाएंगे, तो बुकलेट में सब इंसर्ट, तो ये शीट उसमें मिलेगी आपको, लिखने की जरूरत नहीं, आप सब मेथड देखें, क्या ये फॉर्मूला हमने किया, ये क्वेश्चन हमने किया न्यूटन और डाइन वाला, अब ये सारा मैंने लिख भी दिया, इसमें आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, तो वही सेम m1 l1 t1 n1 करके आंसर 10 की पावर 5 आया। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, क्या किया, 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, पहला पॉइंट, ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है, जूल वर्क डन या एनर्जी, कोई भी, तो वर्क डन या एनर्जी जूल में होता है, तो वर्क डन या एनर्जी के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ, वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT -2, तो m की पावर क्या होती है a, l की पावर क्या होती है b, t की पावर c, लिख लिया है bc। ये क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI, ये क्या है CGS, ये नंबर क्या है N1, N2 निकालना है, तो लेफ्ट में लिखा SI, M1, L1, T1, N1, M2, L2, T2, N2, सेम टू सेम लिखा जो पिछले क्वेश्चन में लिखा, 1 kg, 1 ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड, N1, N2 निकालना है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ABC में चेंज है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सेम फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करें, N1 की जगह 1, M1 की जगह 1 kg, M2 की जगह 1 ग्राम, 1 मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, कोई चेंज नहीं इसमें, कहां चेंज है, पावर में चेंज है। अब पावर ABC की कितनी है, 1, 2 और -2, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ABC अलग था, इस क्वेश्चन में ABC अलग है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, तो kg को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो 1000, 100 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 100 × 100, और 1 raised to power -2, तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया, 10 की पावर 7। मजे की बात क्या है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, ABC, बस ABC चेंज करते जाओ, आपका नंबर चेंज होता जाएगा। तो पॉइंट सबको समझ में आया कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, समझ में आ रहा है यहां तक, जैसे ये क्लियर है, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्टींथ क्वेश्चन, जो अभी हमने सब्जेक्टिव शीट नंबर 3 का आप नहीं कर पाए थे, क्या क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज गिवन, तो ये क्या गिवन है, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -11 है,
और पीछे यूनिट्स चेक करना, न्यूटन, मीटर, केजी, तो कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है? एसआई. मुझे कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है किस में? सीजीएस में. तो रूल नंबर वन, एसआई से किस में निकालना है? सीजीएस. किसकी बात हो रही है? कैपिटल जी. तो सबसे पहले कैपिटल जी का लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला. लिख लिया तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला में एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, एबीसी आ गया. नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एसआई, राइट हैंड साइड सीजीएस. सेम है रिजल्ट, केजी मीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड. बस फर्क ये है कि इस बार एन वन गिवन है आपको 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11. इस बार वन नहीं है, इस बार एन वन कितना है? ये पूरा एन वन है. और मुझे क्या निकालना है? एन टू. तो फॉर्मूला लिखें एन वन एन टू का. एन टू और एन वन का फॉर्मूला क्लियर है. अब एक काम करो, सारी वैल्यूज उठा के यहां पुट करो और एन टू निकालो क्या आ रहा है. एन टू निकालो क्या आ रहा है. तो ये देखो आपने ट्राई किया, आपने इसमें एन वन को क्या पुट किया? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11. मास वो तो सब स्टेट स्टैंडर्ड है. ए बी सी की वैल्यू को पुट किया, के जी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, तो कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर क्या आया? ये तो एज इट इज 1000 रेज टू पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है? 1/1000. 100 कितने टाइम्स है? 100 का क्यूब है, 100 × 100 × 100, और ये तो 1 है. तो इस सारे को सॉल्व करेंगे. जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8. ये आंसर है. क्लियर है यहां तक? तो बढ़िया मेथड है. कुछ करना क्या है? बस ये बताना है कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है. ए बी सी की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर अपने आप पता जाएगा. ठीक है यहां तक? ठीक. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, अब एक काम करते हैं. इसी अब इसके अंदर हम जो ये शीट कर रहे थे, क्वेश्चन अब चेंज हो गया. क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन के अंदर सपोज उसने ये बोला, फाइंड क्या वैल्यू ऑफ 100 जूल. फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल. जूल का मतलब कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है? एसआई. ऑन अ सिस्टम, एक नए सिस्टम में वैल्यू बतानी है 100 जूल की क्या होगी. और वो लोग जो ये सिस्टम बना रहे हैं, नया सिस्टम, वो लोग क्या मेजर करते हैं?
वो मेजर करते हैं डिस्टेंस को 20 सेंटीमीटर में। वो कहते हैं हमारा डिस्टेंस स्टार्ट ही 20 से होता है, 1 सेंटीमीटर क्यों लें, 20 से होता है। और ऐसी मास किस में लेते हैं, हमारा मास स्टार्ट ही 250 ग्राम है, 1 ग्राम लेते ही नहीं, 250 ग्राम लेते हैं। और ऐसे टाइम क्या लेते हैं, मिनट लेते हैं। कह रहे अब निकालो 100 जूल की वैल्यू क्या होगी। अब सीजे सिस्टम तो रहा नहीं, अब तो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट की बात हो रही है। तो इसमें 100 जूल की बात हो रही है, जूल किसके यूनिट है, वर्क डन या एनर्जी के यूनिट है। तो सबसे पहले लिखें डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला में एम की पावर ए है, एल की पावर बी है और टी की पावर सी है। ए बी सी आ गया, क्लियर है यहां तक, ए बी सी लिख लिया, ठीक ठीक है। तो एन इसमें एन वन क्या लेंगे 100 और क्या निकालना है एन टू। तो ये फॉर्मूला लिख लिया, इस फॉर्मूला में ये एसआई सिस्टम है, 100 जूल एसआई सिस्टम है। तो इसमें मास क्या लिया 1 केजी मीटर सेकंड और नंबर क्या लिया 100 जूल का 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है 100। हमने क्या निकालना है, नए सिस्टम ऑफ यूनिट में एन टू निकालना है। पर जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सीजीएस थोड़ी ना है, उसमें मास कितना लेना है 1 ग्राम नहीं लेना, उसने क्या बोला 250 ग्राम लेना है, तो हमने 250 ले लिया। उसने कहा जो लेंथ लेनी है वो 20 सेंटीमीटर, तो हमने 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अगर बोलता सिर्फ सीजीएस तो 1 सेंटीमीटर ले लेता। उसने बोला 20 सेंटीमीटर, मैंने 20 ले लिया। टाइम बोला उसने हाफ मिनट, अब हाफ मिनट को सेकंड में जरूर कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड है तो ये भी सेकंड में चलेगा, तो सेकंड में कितना आएगा 30 सेकंड। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो जो उसने हमें वैल्यूज दी हमने लिख ली यहाँ पे, और फॉर्मूला हमें पता है N2 का, फॉर्मूला हमें पता है, ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में N1 की जगह क्या पुट किया 100, M1 की जगह 1 kg, M2 की जगह 250 ग्राम। यहाँ पर L1 और L2, T1 और T2, तो ये सब गिवन है ना, M1, M2, L1, L2, T1, T2 सब पुट कर दिया। ABC की वैल्यू भी पुट कर दी, kg में कितने ग्राम है 1000 ग्राम है, 100 सेंटीमीटर है और चलो सेकंड है, ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड कैंसल। तो ये कहां पे 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1000 बाय 250, 100 बाय 20 का स्क्वायर कर लोगे, ये तो 1/3 रेज टू पावर -2, तो 3 की पावर कितनी है -2। जब रेसिप्रोकल करेंगे या 30 की पावर क्या है -2, जब प्लस करेंगे तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा 30 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से N2 कैन बी कैलकुलेट। जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट आएगा उसमें जूल तो बोलते नहीं, पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो पीछे क्या लगा देना है यूनिट लिख दो, बस बात खत्म, पता नहीं क्या यूनिट है। आपको मेथड समझ में आया, ये जरूरी नहीं है कि एसआई से हमेशा सीजीएस देगा, वो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट भी दे सकता है और नए सिस्टम ऑफ यूनिट में वो नई वैल्यू दे सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, जैसे फिर देखो एक बार, ये क्लियर है यहाँ तक। जैसे सपोज व्हेन 1 मीटर kg 1 मिनट आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, तो 1 kg 1 मीटर 1 मिनट फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कह रहे फोर्स की वैल्यू कितनी आती है 36 यूनिट्स। अब ये एसआई नहीं रहा, क्योंकि एसआई में क्या होता है केजी मीटर और सेकंड, ये एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जहां पर फोर्स कितनी है 36, तो N1 की जगह 36। अब वो क्या कह रहे वॉट विल बी दी वैल्यू इन सीजीएस, तो आपको वो फोर्स 36 यूनिट को कन्वर्ट करवाना चाहता है किसमें सीजीएस में, तो नया सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहलाएगा सीजीएस। सीजीएस में M1 क्या, M क्या होता है 1 ग्राम, लेंथ क्या होता है 1 सेंटीमीटर, टाइम क्या होता है 1 सेकंड। तो सीजीएस जब बोल दिया तो 111 की वैल्यू के साथ आएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है। और हमें क्या निकालना है नया नंबर N2, समझ में आ रहा है कैसे लिखा, किसकी बात हो रही है फोर्स की, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है MLT -2, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर -C, C आ गया ABC, N2 का फॉर्मूला यूज कर लिया, N1 पुट किया 36, M1, M2, L1, L2, T1, T2 एज इट इज, ABC की वैल्यूज फोर्स की हमने निकाल ली, KG को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर को और 1 मिनट 60 से, ताकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से कैंसिल 36 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 60 रेज टू पावर -2 को सॉल्व करेंगे 1/60 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर आएगा, और आंसर क्योंकि सीजीएस में है और सीजीएस में फोर्स को क्या बोलते हैं टाइम्स, तो आंसर टाइम्स में आएगा।
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? तो मैंने एक एक टाइप का क्वेश्चन अपने बुकलेट में लिया हुआ है ताकि वैरायटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको समझ में आए। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है इसे? अगर आपको कोई यूनिट याद नहीं तो आप लिख देना सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट्स बस। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस फॉर्मूले को लगाना है? कोई डाउट इसमें? वो न्यूटन कैसे हो सकता है? न्यूटन तब होता जब ये स्टैंडर्ड सेकंड होता, वो 60 सेकंड है। टाइम का स्टैंडर्ड जो फंडामेंटल टाइम है वो 1 सेकंड होता है एसआई में, तो एसआई कैसे हुआ? 60 सेकंड है वो। तो ये लोग तो कहते हैं 60 सेकंड मिनिमम टाइम है हमारा, हाँ तो फिर ठीक था। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। जूल की बात हो रही है तो एसआई की बात ही हो रही होगी। 60 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ बेस यूनिट। तो ये सीजीएस सिस्टम तो है नहीं, एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। हमें कितना गिवन है? 60 जूल पर मिनट। मिनट को अगर 60 में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 1 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड क्या होती है? पावर, वर्क डन बाय टाइम इज पावर। तो ये 1 वॉट यानी कि 1 जूल पर सेकेंड, ये पावर की बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर ये पावर की बात हो रही है तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखेंगे, एम की पावर ए होगी, एल की पावर बी होगी, टी की पावर सी होगी। ए बी सी आ गया। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये सीजीएस नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्योंकि ये 1 ग्राम नहीं ना, तो पता नहीं क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो जो हमें सिस्टम ऑफ यूनिट गिवन है जूल, जो हमें गिवन है ये जूल और सेकेंड, ये तो एसआई है, ये तो पता है एसआई है। तो एसआई के अंदर 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, ओके। किस सिस्टम में जाना है? 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, 1 मिनट। तो 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, इसमें जाना है हमने। और क्या गिवन है? N1, N1 क्या कितना गिवन है? 1, 1 कैसे? मैंने सॉल्व करके कितना निकाल लिया पावर? 1 वॉट। तो बात पावर की हो रही है तो 1 वॉट, तो यहाँ पर 1 पुट कर लिया। और मुझे पावर निकालनी है नए सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो मुझे क्या निकालना है? N2। क्लियर है? तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सारी वैल्यूज आ तो गई। फॉर्मूला यूज करो, N1 की जगह 1, वही सेम कन्वर्जन। तो ये टाइम 60 सेकेंड है, T2, T1 1 सेकेंड है। तो यहाँ से सॉल्व करो, ग्राम्स सेंटीमीटर सब कैंसिल करके आपके आंसर आएगा, जो भी आएगा जैसे आंसर। आपको मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करनी है? कोई डाउट इसमें? ये आपकी एप्लीकेशन नंबर कौन सी है? 3। ठीक हो गया, 3 एप्लीकेशंस हैं। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं डायमेंशन फॉर्मूलाज की? हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी। पहली लिमिटेशन है, ये मेथड आपको डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे नहीं पाता। डिस्कस किया था हमने, कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। दूसरा क्या है इसमें? इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड्स अपॉन जी, डिपेंड्स अपॉन टी, लेकिन आगे डिपेंड्स अपॉन नहीं होता, वो 3 तक ही चलता है। नेक्स्ट है, इट फेल्स टू डराइव रिलेशनशिप्स विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कभी ऐसा क्वेश्चन आया, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ थीटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां की हमने? इसमें यूज ही नहीं की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिपेंडेंसी कौन किस पे डिपेंडेंट है ये फेल हो जाता है, चलता नहीं है। या कभी ऐसा आया, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स, लॉग यूज कहां किया? या वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, ये काम नहीं करेगा अगर ये फंक्शन यूज करेंगे, ये इसकी लिमिटेशंस है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और चौथी एक और लिमिटेशन है, क्या कि एक डायमेंशन फॉर्मूलास को देखते हुए आप क्वांटिटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे MT-2 है या ML2T-2 है, ML2T-2 किसका यूनिट है? एनर्जी का। कौन सी? पोटेंशियल पता नहीं, काइनेटिक पता नहीं, वर्क डन पता नहीं, हीट एनर्जी पता नहीं। तो क्वांटिटी कई हो सकती है लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला एक है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक,
मतलब मैं आप चाह रहे हो मैं 7 क्वांटिटी सॉल्व करके दिखाऊं? जरूरत ही नहीं, अंग्रेज लोग बड़े सयाने हैं, उन्होंने किया हुआ है पहले, उन्होंने पहले ही बोल दिया मत करना, नहीं करेंगे, ठीक है, रूल बना दिया उन्होंने, वो उन्होंने कर किया होगा और आंसर सही नहीं आ रहे होंगे तो उन्होंने उसको मना ही कर दिया कि मत करना, ठीक है, तो मान लेंगे सफिशेंट है। अब क्वेश्चन देने वाला भी 3 ही पूछेगा, चौथा पूछेगा ही नहीं, तो फिर क्यों उस रास्ते जाना प्रूव करना जो पता ही है कि वो प्रूव नहीं होने वाला, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर बिल्कुल ख़त्म है, इसके अंदर अब कोई नया टॉपिक नहीं करने वाला, 3 इसकी एप्लीकेशन है, तीनों हमारी हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे पास क्या पेंडिंग है, ऑब्जेक्टिव शीट पेंडिंग है, एक ऑब्जेक्टिव शीट भी तो थी ना, ऑब्जेक्टिव शीट है, जैसे तो इनकी सेम आ रहा आंसर नहीं, 4 आ रही हैं पर 4 का डिपेंडेंसी का रिलेशन नहीं आता, डायमेंशन फॉर्मूला तो 4 में बन सकता है लेकिन वो डिपेंड्स अपॉन 3 तक ही चलता है, ऐसा है इसका मतलब। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव शीट, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 कितने लोगों ने ट्राई की? वैसे ये ट्राई की है, 5-7 क्वेश्चन दिए थे, कितने दिए थे? 7-8 किए ट्राई, करेक्टनेस के ऊपर थे, मेरे को लगता है करेक्टनेस के ऊपर थे, ठीक है। जल्दी जाने लेने आएंगे आपको, लेने आए ठीक। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 देखो, ऑब्जेक्टिव शीट के अंदर आपका पहला क्वेश्चन था कि इसका चेक करना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इसके अंदर एच का मतलब लेंथ है, एल है, सिग्मा इसमें सरफेस टेंशन गिवन है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MT-2, 2 लेना नहीं, कॉस थीटा भी लेना नहीं क्योंकि कॉस थीटा तो नंबर होगा, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं। आर का मतलब लेंथ है, डी का मतलब डेंसिटी है, जी का मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसे सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, राइट क्या आएगा, 1, तो ये क्या आएगा, इन करेक्ट। क्लियर है, मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो इसको मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, आप आराम से इसको रेफर करना, ठीक। जैसे नेक्स्ट है, आपको चेक करना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, देखने में वेलोसिटी लगती है लेकिन ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी में T^-1, 1/2π लेना नहीं, m का मतलब मास, g का मतलब एक्सेलेरेशन, l का मतलब लेंथ, i का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अंडर रूट का मतलब हाफ, ठीक। सॉल्व करेंगे, m से m, l से l कैंसिल, तो अंडर रूट लेंगे T^-2 का, तो आंसर क्या आएगा, T^-1। तो चेक करो ये रिलेशन क्या मार्क करेंगे, करेक्ट है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, ऐसे कि आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में आपको d का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है क्या होगा। तो रूल तो ये बोलता है कि जिसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, ये n का फॉर्मूला है, किसका बताना है, d का, तो एक काम करते हैं, d को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो d को एक तरफ रखा, x^2-x^1 इधर आ गया, n^2-n^1 डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कर लिया। क्लियर है यहां तक? तो अब अगर मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला किसका बता दूं, n का, इन दोनों का, माइनस साइन से डायमेंशन फॉर्मूले को फर्क पड़ता नहीं है,
तो आप सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं, डी का डायमेंशन फॉर्मूला। मेथड क्लियर है? तो मैं आपको बताऊं कि एन एक्स का मतलब तो इसमें लेंथ है, तो एक्स का मतलब बिल्कुल क्लियर है, एल है। लेकिन एन और एन टू एन वन क्या है, इसको देखने के लिए आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन। तो मुझे ऐसा लगा एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर तो नंबर होता है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, तो वन होगा। लेकिन जब पूरा सेंटेंस पढ़ा तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। सेंटेंस पूरा पढ़ा तो एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में एरिया, डिनोमिनेटर में टाइम। तो एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट एरिया यूनिट टाइम। तो ये स्टेप समझ में आया यहां तक, ठीक है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। टाइम का क्या होता है, टी होता है। सॉल्व करके ये आ गया, तो एन निकाल लिया मैंने। एन तक कोई डाउट इसमें, ठीक? तो एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, वो सेम केस है ये। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट एरिया यूनिट टाइम। ऐसे एन वन एन टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन वन एन टू का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर क्या है, वन, और वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब। तो एन वन एन टू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एल की पावर माइनस थ्री। यहां तक क्लियर है? एन आ गया, एन वन एन टू आ गया, वैल्यू पुट करें। ये देखो एन का फॉर्मूला ये था, पुट कर दिया। एक्स टू और एक्स वन क्या है, लेंथ। तो अगर ये एल है, ये भी एल है, एल में से एल गया तो कौन सी क्वांटिटी आएगी, एल ही आएगी, जीरो नहीं आएगा, एल ही लिखना है। क्लियर है यहां तक? डिनोमिनेटर एन टू है, एन टू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एल की पावर माइनस थ्री। तो एल की पावर माइनस थ्री में से एल की पावर माइनस थ्री माइनस हो गया, तो आंसर क्या आएगा, एल की पावर माइनस थ्री, क्वांटिटी विल रिमेन सेम। इसे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आंसर आ गया, ऑप्शन मार्क कर लेना। तो एक्स लेंथ कैसी हुई, ओके, वो क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वन एक्स टू, वो मीटर में मेजर किए जाते हैं, लेंथ होती है वो, कि ओरिजिन से एक्स वन दूर आ गया, मैं ओरिजिन से एक्स टू दूर आ गया, तो एक्स वन एक्स टू कोऑर्डिनेट्स हैं, वो लेंथ होती है, तो एल लेना पड़ेगा। तो पॉइंट सबको समझ में आया, ये कैसे करना है क्वेश्चन, परपेंडिकुलर हो चाहे डायरेक्शन, जो मुझे डायरेक्शन से डायमेंशन फॉर्मूला को फर्क कहाँ पड़ता है, अगर वो बोलता 60 डिग्री पे है तो भी क्या फर्क पड़ता था, एंगल इसमें मैटर करते कहाँ है, ठीक? ये हमने आज प्रैक्टिस कर ली, अगली बार आएगा आपको पता लगेगा, हाँ डिवाइड होना है, सर ने बताया था डिवाइड होना है, इसको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक? जब पहली बार मैंने भी किया, मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है, फिर दूसरी बार किया, कुछ कुछ समझ में आया, 8-10 बार कर लिया, 20-25 बार कर लिया, अब यार ठीक है इसमें ऐसे ही करना होता है, ठीक है? प्रैक्टिस होती है, देख देख के सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक नेक्स्ट करेक्टनेस चेक करनी है, मेरे ख्याल से हो जाएगा करेक्टनेस चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो लेफ्ट में पुट करेंगे, राइट में डेंसिटी है, लेंथ है, सरफेस टेंशन है, अंडर रूट है, सॉल्व करके आपके पास ये रिलेशन करेक्ट आएगा। तो कितनों का हो गया था करेक्ट, ये हो गया था, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉलन फ्रीली अंडर ग्रेविटी वेरीज एज जी की पावर पी एच की पावर क्यू, ये गिवन है। पी और क्यू निकालने, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाया, वेलोसिटी की जगह क्या पुट किया, डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन, जी का मतलब एक्सेलेरेशन, एच का मतलब डिस्टेंस। तो पावर्स एडजस्ट की, एल की पावर पी प्लस क्यू, टी की पावर माइनस टू पी, पावर्स को इक्वेट किया एल की पावर एल के साथ, तो और टी की पावर टी के साथ, दो इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन से सीधा पी आ गया, पी आ गया तो समझो यहाँ से वैल्यू पुट करके क्या आ गया, क्यू भी आ गया, दोनों हाफ आ गए, तो बस ये ऑप्शन आ गया, हाफ एंड हाफ डन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो वैल्यूज पुट करके डायमेंशन फॉर्मूला कंपेयर करके पावर पी एंड क्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें, ठीक है? ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, अभी इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत बढ़िया होती है, सब्जेक्टिव बहुत लंबी होती है, ऑब्जेक्टिव बहुत छोटी होती है। कैसे, आपको क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी वी डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ लैम्डा रेज टू पावर ए,
डेंसिटी रेज टू पावर बी, एक्सेलेरेशन रेज टू पावर सी, ए बी सी कैलकुलेट करो, फॉर्मूला बनाओ, फिर आंसर मार्क करो। पर नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। फॉर्मूला उसने बना के दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो मैं ए बी सी नहीं निकाल लूंगा, इसमें शॉर्टकट लगाऊंगा। क्या शॉर्टकट? मैं पहले फर्स्ट ऑप्शन ले लूंगा, ये लिख ली फर्स्ट ऑप्शन। पहली ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, के तो कॉन्स्टेंट है, जी का मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लैम्डा का मतलब एल है। इन्हें सॉल्व किया, सॉल्व करके टी की पावर माइनस वन आ गया। तो यानी कि ये रिलेशन करेक्ट नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं ऑप्शन नंबर क्या उठाऊंगा, टू उठाऊंगा, ऑप्शन नंबर टू लिखूंगा। ऑप्शन नंबर टू में वेलोसिटी का मतलब क्या है, एल टी माइनस वन, जी का मतलब एल टी माइनस टू, लैम्डा का मतलब लेंथ रेज टू पावर हाफ। सॉल्व करूंगा, अंडर रूट लूंगा, आंसर आ गया। बट जिसके साथ आंसर आ गया, करेक्टनेस बस वही आंसर है, कोई एबीसी नहीं, कोई पावर नहीं, कोई इक्वेशन नहीं। क्या उल्टा ही काम हो गया? उल्टा सबसे बढ़िया क्वेश्चन हो गए, सब्जेक्टिव में बड़ा क्वेश्चन हो गया एबीसी निकालना, ऑब्जेक्टिव में बहुत छोटा हो गया। बस कुछ नहीं करना, जिसकी करेक्टनेस सही होगी बस वो आंसर हो गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों? क्लियर है? यस यस। ठीक, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑब्टेन बाय मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करती है? मास रेज टू पावर ए, प्रेशर रेज टू पावर पी, रेडियस आर रेज टू पावर सी, राइट? ऐसा करने की कोशिश करूंगा। फिर वो कहेगा कि बताओ कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, और वो कह रहा है कॉन्स्टेंट की वैल्यू इसमें कितनी है, हाफ। तो ये कॉन्स्टेंट की जगह क्या पुट करेंगे, हाफ। तो मेरा आंसर आएगा तो हाफ में ना, हाफ तो आएगा आंसर में, तो इसका मतलब ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, क्योंकि हाफ की जगह वो क्या दे रहा है, वन बाई थ्री। ये तो रूल आउट हो गया। इसका मतलब हमें क्या चेक करना है, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं, दो ऑप्शन तो उड़ी गए ना इस ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है? तो आपका नेक्स्ट तरीका क्या होगा? नेक्स्ट तरीका ऐसे शुरू होगा, है ना, ऐसा करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये मेथड मत लगाना, लंबा मेथड है, क्यों लगाएंगे आप? बेटर है ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसको चेक करें। आप ये फॉर्मूला लिख लें, लिख लिया, एस का मतलब सरफेस टेंशन, पी का मतलब प्रेशर, आर का मतलब लेंथ। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट और राइट बिल्कुल सही बैठ गया, करेक्ट आ गया, बस ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो, डन। क्या करोगे एबीसी निकाल के? बस जो आपको लग रहा है कि आंसर लग रहा है मुझे, लेफ्ट और राइट चेक कर लो, आंसर डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है सबको? ठीक, जैसे ये एक और क्वेश्चन है, क्या लंबी कहानी है, स्मॉल स्टील बॉल, रेडियस आर है, ग्रेविटी में गिर रहा है, विस्कस है, ईट है, टर्मिनल है, पता नहीं क्या कुछ है। टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन वेट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर ए बी सी करो, सॉल्व करो, कुछ ना करो। वो कह रहा है बताओ आंसर कौन सा सही है, उठाओ ए ऑप्शन, उठा लो। पहला ऑप्शन उठा लिया, वी फॉर वेलोसिटी एल टी माइनस वन, m का मतलब मास, g का मतलब एक्सेलेरेशन, ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और r का मतलब लेंथ। सॉल्व करो, आंसर एग्जैक्टली मैच कर गया, लेफ्ट और राइट, ए ऑप्शन, बी सी डी चेक ही मत करो, आई गया आंसर, डन। सिंगल चॉइस में तो एक ही आंसर आ गया, तो डन। तो क्या सही मेथड है? तो आपको ए बी सी करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के अंदर, सब्जेक्टिव में जरूरत है। रास्ते से नहीं करना, आप सीधे रास्ते से करोगे तो आपको चाहे पूरे पेपर आता हो मेंस का या नीट का, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। भाई उनको स्मार्ट बंदे चाहिए, उनको सीधे चलने वाले बंदे कहां चाहिए कि भाई एबीसी निकलेगा तब आंसर आएगा। वो कहते हैं फटाफट, क्विक, फटाफट बताओगे सबसे पहले आंसर कौन निकालेगा, डन। तो ऑब्जेक्टिव का जो रूल है ना सॉल्व करने का, वो अलग है। ऑब्जेक्टिव का जो सोच है ना ऑब्जेक्टिव करने की, वो बिल्कुल अलग होती है, सब्जेक्टिव की सोच बिल्कुल अलग होती है। तो ये स्कूल लेवल के तो ठीक है जो हमने की ये शीट, पर ऑब्जेक्टिव में लंबे मेथड से जितना लंबा मेथड होगा उतना नुकसान करेगा आपको, जितना छोटा मेथड होगा उतना ही आपको हेल्प करेगा। एक घंटे में यार 25 क्वेश्चन करने हैं, मजाक थोड़ी ना है कोई 25 न्यूमेरिकल करना, ठीक है? तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आपने छोटा मेथड ही फॉलो करना है, बड़े मेथड फॉलो ही नहीं करने, बात खत्म, ठीक है? नेक्स्ट, सबसे पहले ना ऑब्जेक्टिव करेंगे, अभी ना पूरा साल पड़ा है, आप देखना जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो बाद में पढ़ता हूँ, पहले देखता हूँ निकालना क्या है। कभी कभी तो मैं यूनिट से चेक कर लेता हूँ, जैसे फोर्स निकालनी है,
वो कहेगा ए ऑप्शन 10 न्यूटन, दूसरे में लिख देगा 10 जूल, भाई पता ही है जूल कहाँ से आएगा, रूल आउट उड़ाऊ से। तो कहने का मतलब यूनिट से भी बहुत चीज़ें पता लग जाएंगी कि कौन सी ऑप्शन दो उड़ जाएंगी उसमें से। बताओ केबीसी में 50-50 लाइफलाइन मिल गई, और क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव में 50-50 मिल गया, और क्या दो में से एक आंसर मार्क करना है, कितनी बड़ी बात है यार, लाइफलाइन मिल गई, दो ऑप्शन उड़ गए, और क्या चाहिए आपको, कुछ तो कर ही लोगे, कोई इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी आपको। अभी आपको ये थोड़ा हल्का लग रहा है, अब देखना जब आप टेस्ट के अंदर बैठेंगे ऑब्जेक्टिव, तो आप किसी भी तरीके से, आप अभी नहीं पहले तो ना शुरू शुरू में बच्चा अभी नए नए हो ना, सीधा रास्ता ही फॉलो करते हो, सीधा करना है, फिर थोड़े टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है कि नहीं यार इतना लंबा कौन करेगा, पहले ऑप्शन भी देख लें, ये लग नहीं रहा, ये तो यार उड़ेगा उड़ेगा पक्का, ये उड़ेगा उड़ेगा, कई बार तो तीन उड़ जाते हैं 30 सेकंड में, क्वेश्चन बार हो गया, ठीक, ज़्यादातर नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है, 1 एटमोसफेयर 10^(N)^m² को 9 पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अब एक तो सीधा बच्चा है, वो कहता है ये m1 l1 t1 m2 n2 t2 करके फॉर्मूला लिखेंगे करेंगे, मैं नहीं करूँगा, मैंने साइड बेस रफ में लिखा, न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में, सीधा लिख दिया 10^5 टाइम, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो 100 cm² तो यहाँ से सॉल्व किया, सॉल्व करके एक मिनट में आंसर आ गया, मैं क्यों लिखूंगा m1 l1 t2। हाँ अगर स्कूल लेवल आ गया फिर वो करूँगा मैं, थर्ड टू ऑब्जेक्टिव आ गया तो मेरी मर्जी, मेरे से कौन सा पूछ रहा है कोई कैसे किया, ऑब्जेक्टिव में तो ABC मार्क होगा और तो कुछ भी नहीं होगा, मैं जैसे मर्जी करूं, तो मेरे को मेथड वन सही लगा, मैंने मेथड वन यूज़ कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि मेथड वन फटाफट 2 सेकंड में काम कर गया अपना, क्लियर है यहाँ तक। कह रहा है कि आपको इसमें से कौन सा डायमेंशन वन रूल आउट करोगे, अब देखो ना रूल आउट तो ऑड मैन कौन है इसमें, कह रहे ये के फॉर एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या बात बनी भाई, फोर्स होती है, गलत। नेक्स्ट एनर्जी कहता है m²v³ के इक्वल है, ये कौन सा फॉर्मूला एनर्जी का, मैंने नहीं सुना, रूल आउट, गलत। एनर्जी ½mv² + ma क्या होती है, फोर्स। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, पर फोर्स और एनर्जी का मैच नहीं कर सकता, गलत 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 और गलत। तो फिर कौन दिख रहा है आपको सही आंसर, एक वैसे तो दिख ही रहा है k = ½mv² वैसे ही आंसर है, पर पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और इसको करने में बहुत टाइम भी लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, और सोचो मैंने इसमें नन उड़ा दिया, नन आता नहीं है, छोड़ दो इसे, मेरी तरफ से इन तीनों में से एक आंसर है, ठीक है, इन तीनों में से एक आंसर है। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इफ वेलोसिटी सी, वेलोसिटी वी की जगह सिंबल क्या कर लिया, सी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, होती वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी सी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच आर चोजन एज अ फंडामेंटल यूनिट, जबकि फंडामेंटल यूनिट क्या थे, MLT, फंडामेंटल यूनिट होते हैं, MLT होता है। वो कह रहे हैं नहीं, मेरे यहाँ पे कंट्री में MLT नहीं चलता, मेरी कंट्री में चलता है CGH। तो कह रहे हैं कि इस केस में बताओ फिर मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास को कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ CG एंड H। तो जो तो सीधे रास्ते से काम करेंगे वो कहेंगे देखो जो मास का फॉर्मूला बताना है, मास किस फॉर्म में बताना है, एच में, सी में और जी में, तो मास प्रोपोर्शनल टू h^a, c^b, g^c। फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे, h का, मास का, c का, g का, ABC सॉल्व करेंगे, ABC को पुट करेंगे, ABC पुट करके हाफ हाफ माइनस हाफ आएगा तो आंसर आएगा। ये तो अभी एक पार्ट हुआ, फिर किसको निकालेंगे, लेंथ भी निकालेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेंथ डिपेंड अपॉन h^a, c^b, g^c, फिर डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर ABC सॉल्व करेंगे, फिर लेंथ में ये आएगा ABC। इतनी देर में तो क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, कहेंगे इसकी जगह तो दो क्वेश्चन और कर लूंगा, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, अगर आंसर ना आया फिर ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर भी ना आया फिर तीन और करूंगा, मेरे से नहीं होता क्वेश्चन, सही मैं भी छोड़ दूंगा यार, कौन करेगा ये क्वेश्चन, ठीक। पहला मेथड तो फेल है यार, आता हो तब भी नहीं करना हमने, कौन करेगा इतना बड़ा क्वेश्चन ABC के लिए, राइट।
दूसरा मेथड चेक बाय ऑप्शंस, आप फर्स्ट ऑप्शन उठा लो m, ये मैंने उठा लिया m, h का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो, प्लैंक्स कांस्टेंट का, c का पुट कर दो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पुट कर दो, रेज टू पावर हाफ, रेज टू पावर हाफ, रेज टू पावर माइनस हाफ, तो m की पावर हाफ, l स्क्वायर रेज टू पावर हाफ इज l, माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, सॉल्व करो, आंसर m आ गया। चलो मुबारक हो, पहली बार ऑप्शन आ गया, तो यानी कि ये वाला पार्ट तो एटलीस्ट करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन से चेक करना समझ में आ रहा है, यहां पर एच सी और जी का डायमेंशन वाला पुट कर दो, सॉल्व कर लो, अगर मास आ गया तो आंसर है, मास नहीं आया तो आंसर नहीं है। फिर ऐसी क्या चेक करोगे, एल को, फिर किसे चेक करोगे, टी को, हाँ बिल्कुल सही। हम इतना लंबा करने से पहले थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को देख लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, L का और T का ऑप्शन देखो, H की पावर, C की पावर, G की पावर सब में सेम है, इसका मतलब कि L और T तो इन्हीं में से एक आएगा, तो मैं सॉल्व क्यों करूंगा, L और T क्यों सॉल्व करूंगा, पता ही है L और T का आंसर तो ये कॉमन है, किसे चेक करना है, सिर्फ मास को, पहला ऑप्शन मास चेक करेंगे, फिर दूसरा मास चेक करेंगे, अगर ना आया तो, वैसे तो पहली बार में आ ही गया आंसर, तो ए ऑप्शन आ गया, अगर ना आता फिर सिर्फ मैं ये चेक करता, ना आता फिर ये चेक करता, फिर इनको चेक करने की जरूरत है ही नहीं मुझे, नहीं नन नन तो हटा देने, नन आता नहीं, आएगा ही नहीं नन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया, नन कैसे आएगा मैंने टाइप किया क्वेश्चन, नन नहीं आ सकता, ठीक है, तो किसी किताब का क्वेश्चन नहीं है, ठीक, और ये जितने नन है ना ये मैंने लगाए हुए हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, वैसे नन नहीं आता, फिर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे ना कुछ दिनों के बाद, फिर आप उठा उठा के ऑप्शन इलिमिनेशन पे आ जाएंगे, छोड़ यार सॉल्व क्या करना, ये लग नहीं रहा उड़ाओ, सर ने कहा था लग नहीं रहा चल इसको भी उड़ा दो, इस जो आ गया आंसर डी, फिर आप सॉल्व नहीं करेंगे, तो अब मैंने जान के नन दिया हुआ, कम से कम आप सॉल्व तो करेंगे, शुरू शुरू में आप सॉल्व करवाना चाहता हूँ, बाद में नन हट जाएगा, फिर आप इलिमिनेशन पे खेलेंगे, ये भी नहीं लग रहा, वो भी नहीं लग रहा, ये भी आउट है, ये भी आउट है, चलो डन, तभी तो लोग ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा खुश हैं, तो क्या करना है उसमें, दो तो वैसे उड़ा देते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो निकाल ही आते हैं करके, ठीक। इफ एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए और बी निकालना है, किया हमने आज ये क्वेश्चन, कैसे करना था ये लिख लिया, अगर एक्स लेंथ है तो ए टी भी एल है, बी टी स्क्वायर भी एल है, ऐसे होगा ना, तो ए टी अगर एल है तो टी इधर जाएगा तो क्या होगा, एल टी माइनस वन, आज किया हमने क्वेश्चन, ऐसे अगर बी टी स्क्वायर एल है तो टाइम स्क्वायर नीचे आ गया एल टी माइनस टू, उसने पूछा बी के यूनिट्स क्या हैं, तो मैंने देखा बी के यूनिट्स हैं मीटर सेकेंड रेज टू पावर माइनस टू यानी कि सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड में आंसर नहीं था, मीटर आर स्क्वायर है, तो कोई बात एक ही बात है, मीटर पर आर स्क्वायर एक ही बात है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया तो यहां से यूनिट्स भी तो मैच कर ही सकते हो, ऑप्शन साथ साथ देखनी पड़ेगी ना, ठीक है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन है 13th इक्वेशन है वही सेम जो की थी, अब इस बार जो ये वेव की इक्वेशन है कोई भी, और इस इक्वेशन में ए ओमेगा एक्स अपॉन ये वी है कि न्यू है मुझे पता नहीं, वेलोसिटी भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, वो क्या कह रहा है वी इज द लीनियर वेलोसिटी, तो चलो ये वी है और ये के है, आपको क्या निकालना है, के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आए पहले ठीक तरह करके लिखो इसे, ओमेगा ब्रैकेट के कॉमन है, ओमेगा को मल्टीप्लाई करो ऐसे लिखो, कर लिया, अब क्योंकि ये एंगल है, एंगल क्या होता है डायमेंशनलेस, और अगर एंगल डायमेंशनलेस है तो ये पूरा का पूरा वन है, वन का मतलब ये भी वन है और ये भी वन है, राइट, तो अगर ये वन है, अगर ये वन है तो के क्या आएगा वन बाय, और ओमेगा क्या होता है टी की पावर माइनस वन, याद है एंगुलर वेलोसिटी टी की पावर माइनस वन, तो ये इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा टी बन जाएगा, तो रूल समझ में आ रहा है, तो एंगल्स को देखते ही आपने क्या कर देना है इसको वन कर देना है, अगर ये वन है तो ये भी वन है और ये भी वन है, तो ये वन है तो के निकालना है, ओमेगा टी की पावर माइनस वन है इसके नीचे चला जाएगा आंसर, तो आइडिया क्लियर है कि इन टाइप की क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, कोई डाउट इसमें, ठीक। जैसे एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय, और खतरनाक इक्वेशन करती है कुछ, ये देखो क्या 2a sin 2 pi ct by lambda cos of 2 pi x by lambda, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया क्या किया वैसे, ये
जो भी किया तो किया, कोई बात नहीं, पर इतना समझ में आता है इस इक्वेशन को देखते ये एंगल है डायमेंशनलेस है, ये एंगल है डायमेंशनलेस है, ये तो मुझे समझ में आता है, मैंने लिख लिया, लिख के मैं देख रहा हूँ ऑप्शंस क्या पूछ रहे हैं, मेरा इससे आंसर ही नहीं आया, लिख दिया, आप भी ऐसे ही करोगे क्योंकि फिर आगे आंसर ही नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने ऑप्शन पढ़ी नहीं निकालना क्या है, फिर मैंने यहाँ तक छोड़ दिया और फिर मैंने ऑप्शंस को देखा। पहले एक बात बताओ, इसके अंदर सी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, टी का मतलब क्या है, टाइम, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब एल, एक्स क्या होता है, एल, लैम्डा क्या होता है, एल, राइट तो हमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें इन चारों में से क्या है, रॉन्ग है। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या है, यूनिट ऑफ सी टी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, अच्छा लैम्डा के यूनिट क्या होते हैं, एल, सी स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, एल टी माइनस वन, इनटू टाइम के क्या होते हैं, टी, तो आंसर सॉल्व करके क्या आएगा, तो एल और एल बराबर, ये ऑप्शन करेक्ट है, पर हमने तो रॉन्ग बतानी है तो आंसर नहीं है। एक्स के यूनिट और लैम्डा के यूनिट सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों के दोनों एल है, अरे करेक्ट आ गया, ये आंसर नहीं, हमें रॉन्ग बताना है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टू पाई सी बाय लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ टू पाई सी बाय लैम्डा टी, क्या बोलते हो, सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, नहीं भाई, एक में टाइम मिसिंग है, एक में टाइम, सेम कैसे होंगे, एक में टाइम है एक में टाइम नहीं, तो टाइम में डिफरेंस तो आ ही जाएगा, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शंस, दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं आएगा, तो हम तो चाहते हैं कि ना आए, हम तो रॉन्ग स्टेटमेंट मार्क कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ये सेम है, नहीं सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दिस इज द आंसर, ये आंसर है इसका, समझ में आया यहाँ तक। आखिरी ऑप्शन क्या है, सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा एंड एक्स बाय लैम्डा सेम है, कैसे सेम होगा, ये लेंथ है, ये लेंथ है, कट के आंसर आएगा वन, ये लेंथ है, ये कम से कम लेंथ तो नहीं है ना, तो आंसर वैसे भी सेम नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन डी भी है, दोनों रॉन्ग है। आपको कि मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस सिर्फ एडवांस में आईआईटी में आता है, नीट और मेन सिंगल चॉइस होती है, एडवांस मल्टीपल होता है, एडवांस में चार ऑप्शन हैं, चार में से एनी वन भी ठीक हो सकता है, टू भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चारों के चारों ठीक हो सकते हैं, आपको मल्टीपल मार्क करना होता है एडवांस के अंदर, अगर आपने मान लो चार तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं उसके, आपको सिर्फ एक ही आया, दो नहीं आए, तो उस केस में आपको एक जो आपने करेक्ट किया उसके मार्क्स मिल जाएंगे, पार्शियल चेकिंग बोलते हैं इसे, तो उनकी मशीन पार्शियल चेकिंग करती है, अगर आप तीन आंसर करेक्ट हैं इसमें से आप दो मार्क कर पाए, आपको दो के आंसर मिलेंगे, तीन करेक्ट हैं, एक ठीक किए, दो गलत कर दिए, तो दो काट लेगा नंबर मशीन आपकी, कटिंग हो जाएगी आपकी, वो नेगेटिव, एक कट सही आंसर आएगा। एडवांस में सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं, मेंस नीट में एक ऑप्शन आया तो नेक्स्ट पक्का ही सिंगल चॉइस है, मल्टीपल होता ही नहीं उसमें, 100% सिंगल चॉइस होगी, एडवांस नीट दोनों सिंगल पे चलती हैं, जिसका पहला ऑप्शन आ गया बस करेक्ट है, डन, तभी तो लेवल में फर्क है ना यार, क्लियर है, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक, कि ये एंगल है के टी, के का निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला, ये यूनिट्स निकालने हैं, साइन स्क्वायर के आगे जो भी टर्म है वो क्या है, एंगल वन, तो फिर के का क्या होगा, वन बाई टी, वन बाई टाइम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या मेजर करते हैं, हर्ट्स, क्लियर है यहाँ तक, टाइम क्या हुआ है, ठीक है यहाँ तक। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, तो आपने नेक्स्ट टाइम ये 7-8 क्वेश्चन, ये शीट अपलोड गूगल ड्राइव पे मैंने कर दी है या कर दूंगा अभी, तो आपने क्या करना है, पहले ट्राई करनी है शीट, फिर इसको चेक भी करना है, ताकि नंबर ऑफ डाउट्स हमारे अगली क्लास में कम से कम हो, और हमने अगले चैप्टर में मूव करें, ऐसा ना हो सर ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, पूछ लो, पर याद रहे अपना टाइम खराब करोगे, क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार ट्राई करके इसको देख के आना, एक टेस्ट बांटना है, एक सेकेंड, मैंने टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होना है।